हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे MBK व्लॉग यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं आज जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं और अभी हम जा रहे हैं जैसलमेर, तो उसके बारे में आपको हम बताएंगे ब्लॉग पर। तो हमारे इस ब्लॉग पर आप पूरी जर्नी देखिएगा। मैं आपको कुछ अभी यहाँ पर 6:30 बजे का समय और मेरी 7 बजे ट्रेन है, तो मैं भी आपको यहाँ का भी थोड़ा सा लुक दिखाऊंगा कि अभी बाहर का सीन कैसा है रेलवे स्टेशन का। अभी मैं जोधपुर के रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंच चुका हूं और अभी मेरी ट्रेन 7 बजे है। अभी 6:40 का समय हुआ है। मैं मेरी ट्रेन दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जोधपुर टू जैसलमेर की ट्रेन है। तो अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, हमारे ब्लॉग पर अंत तक बने रहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे MB न्यूज के ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जैसलमेर के किले में पहुंच चुके हैं, हम उसके अंदर हैं। मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूं, देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम जैसलमेर किले के गलियों में हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर गलियां हैं। कुछ मूर्तियां भी है, पुरानी कलाकृतियां भी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और मैं आपको पीछे का कैमरा करके इसका सीन दिखाता हूँ। अभी हम जैसलमेर के हैं और आपको शहर के पीछे का, आपको सबसे ऊपर जो हम चढ़े हैं उसके ऊपर से पीछे का आपको लोकेशन दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि नीचे बसें और कुछ टेम्पू वगैरह भी चल रहे हैं, जो पर्यटकों को यहाँ से ले आ जाने के लिए बने हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का लोकेशन कितना सुंदर है। अभी मैं किले से बाहर आ चुका हूँ, सड़क पर, बाहर जो सड़क है उस पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे किला है। और अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। काफ़ी एंजॉय किया आज, मैंने ब्लैक कॉफ़ी भी पी थी और डोसा खाया था। और अभी हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी जैसलमेर के किले के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर लोकल मार्केट है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है और यहाँ से भी आपको किले का व्यू मिल जाएगा अच्छा। आप देख सकते हैं कि बहुत मेरे ऊपर है जो किला आप देख रहे हैं, और इस पे आगे सड़क चली है। कुछ यहाँ पर कारें वगैरह भी खड़ी है, अगर आप कहीं से कार को लेना चाहते हैं, अगर आपको कार की ज़रूरत है और तो आपको ड्राइवर सफारी कराएगा यहाँ की। आप देख सकते हैं ये बाहर का व्यूज़ है जैसलमेर किले का।
अभी हम पहुंच चुके हैं जैसलमेर के गड्डीसर झील में। तो आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि बहुत सारा पानी भी है। ये बहुत बड़ी झील है, इसका नाम है गड्डीसर झील। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। गड्डीसर झील में हूँ। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि लोग किश्तियों में बैठ रहे हैं और सवारी कर रहे हैं और इस झील का आनंद ले रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत नजारा है, आपको घूम करके भी दिखाता हूँ। दोस्तों, गड्डीसर झील का निर्माण राव जैसल ने 1556 ईस्वी में करवाया था। शहर में पानी की अनुपलब्धता के कारण पूरे शहर को पानी, मीठे पानी की व्यवस्था के लिए राव जैसल ने इस गड्डीसर झील का निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं कि अभी भी ये गड्डीसर झील काफी पानी से लबालब है और 24 घंटे यहाँ पर पानी की व्यवस्था रहती है। हालांकि यहाँ पर अभी यहाँ से पानी की सप्लाई पूरे शहर को पीने के लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो गड्डीसर झील से पानी की पीने की व्यवस्था शहरवासियों के लिए की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ छतरियां भी बनी हुई है जो झील के अंदर है, काफी सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ से बोट है, अगर आप बोट के माध्यम से झील की सवारी करना चाहते हैं, झील के अंदर जाना चाहते हैं, लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे की लोकेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। पुरानी इमारतें बनी हुई है, छतरियां बनी हुई है। तो मैं अभी वापस जोधपुर जा रहा हूँ और अभी मैं जैसलमेर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि 2 बजे मेरी ट्रेन है। मैंने काफी इंजॉय किया, बहुत खूबसूरत सिटी है जैसलमेर। अगर आप कभी भी जैसलमेर विजिट करना चाहते हैं तो देखने के लिए बहुत सारे स्थानीय दर्शन है। यहाँ पर जैसलमेर का दुर्ग है और गड्डीसर झील है, दूसरे भी सम के दौरे हैं। हालांकि मैंने सम के दौरे नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने दूसरे जैसलमेर की जगहों पर झोरों पर जाकर एंजॉय किया बहुत सारा। और मैं 2 घंटे तक जैसलमेर के किले में भी घूमा। तो आप देख सकते हैं कि जैसलमेर बहुत ही खूबसूरत सिटी है और हालांकि काफ़ी साफ सुथरी भी है। गड्डीसर झील भी बहुत अच्छी है और आप कभी भी जैसलमेर विजिट करना चाहते हैं बाई ट्रेन, प्लेन से, आप बसें भी चलती हैं तो आप आ सकते हैं। मैं बाई ट्रेन जोधपुर से आया था, काफ़ी मैंने इंजॉय किया जैसलमेर सिटी को। और भी कभी जैसलमेर में वापस आऊँगा तो इस खूबसूरत सिटी का वापस आनंद उठाऊँगा। अगली बार मैं अपने दोस्तों के साथ आऊँगा, इस बार मैं अकेला आया था व्लॉग बनाने के लिए। तो अगर आप हमारे व्लॉग पर, इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे MBK व्लॉग्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच।